पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तः शान्तः ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तः शान्तः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या बता रहे हैं? जिस जिज्ञासु ने अपने उपदेश श्रवण करने के पश्चात अपनी आत्मा की ब्रह्म रूपता का अनुभव कर लिया है, और जो क्या हो गया है, ब्रह्म रूप हो गया। क्या हो गया है? ब्रह्म रूप हो गया। ऐसा जो पहले अपने में बंधन का अनुभव करने वाला अब अपने में क्या अनुभव कर रहा है? निर्बंधता का, मुक्ति का अपने में अनुभव कर रहा है। पहले मानता था कि मैं बंधा हुआ हूँ, मैं जीव हूँ, मैं पापी पुण्यात्मा हूँ, मैं सुखी दुखी हूँ, मेरा जन्म हुआ है, मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार से क्या था? क्लेश युक्त, बंधन युक्त अपने को जानता मानता था। लेकिन अब ज्ञान के द्वारा क्या ज्ञान हो गया? अपने आप का ज्ञान, अपनी वास्तविकता का ज्ञान, सत्य का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। तो ज्ञान हुआ तो जाना क्या, परमात्मा तो नित्य ही मुक्त है, परमात्मा तो नित्य ही अविनाशी है, परमात्मा तो नित्य ही निरंतर ही जन्म मृत्यु से रहित है, परमात्मा तो सच्चिदानंद रूप है, और वो परमात्मा मेरी अपनी आत्मा है। वो परमात्मा क्या है? क्योंकि मैं ये शरीर आदि जो उपाधि है ये नहीं हूं, मैं चेतन हूं। मैं क्या हूं? मैं चेतन साक्षी सच्चिदानंद जो ब्रह्म है परमात्मा, वह मैं हूं। और अहमता ममता कर लेने से जड़ वस्तुओं में क्या होता है? वही हो जाता है। क्या होता है? वही हो जाता है। तो अब जिसने अपने को ब्रह्म रूप परमात्मा रूप जान लिया, अनुभव कर लिया है, तो कहता है अब तक अपने को कर्ता मानता था या कर्म का प्रेरक मानता था, लेकिन अब कहता है न मैं कर्ता हूं, न मैं कारिता हूं, न मैं भोगता हूं, ना मैं भोजिता हूं, ना मैं दृष्टा हूं, और ना मैं दर्शयिता हूं। फिर क्या है जी?
सोहम स्वयं ज्योतिरनिद्रगात्मा, वह मैं जो हूं ना, क्या हूं? स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाश रूप, क्या हूं? चिन्मात्र ज्ञान रूप, क्या हूं मैं? ज्ञान रूप अनिद्रगात्मा, जो इद्रिग इद्रिग है, इद्रिग माने इस प्रकार का, तो ये जैसे शरीर है इस प्रकार का, इंद्रिया होती है इस प्रकार की, मन बुद्धि होते हैं इस प्रकार के, लेकिन जो चेतन है ना, जो इंद्रियों का मन का विषय होता है, उसको हम क्या कहते हैं? इस प्रकार का, ऐसा, क्या कह देते हैं? ऐसा। लेकिन जो अपना चेतन है वो न इंद्रियों का विषय है और न मन का, मन बुद्धि का ही विषय है, तो इसलिए वो इंद्रिग नहीं है, इस प्रकार का नहीं है। किस प्रकार का? कर्ता भी नहीं, कार्यता भी नहीं, दृष्टा भी नहीं, दर्शयिता भी नहीं, और भोक्ता भी नहीं, और भोजयिता भी नहीं। तो क्या है? तो कहते हैं ज्ञान स्वरूप अनिद्रग आत्मा, मैं इद्रग आत्मा नहीं हूं, अर्थात मन इंद्रियों का विषय रूप जो कुछ है वो न आत्मा है, वो मैं नहीं हूं। ये शरीर क्या है? इद्रिग है। ये इंद्रिया क्या है? इद्रिग है। ये जो प्राण अंतःकरण है ये क्या है? इद्रिग है। इस प्रकार के अंतःकरण के द्वारा इनका ज्ञान होता है। अंतःकरण और अंतःकरण के धर्मों को भी साक्षी प्रकाशता है, लेकिन साक्षी जो है वो तो स्वयं ज्योति। साक्षी क्या है? स्वयं ज्ञान रूप है, केवल जो ज्ञान रूप होकर के विराजमान होता है। जब आपका जो विचारात्मक विकल्पात्मक मन है ये विलय हो गया, क्या हो गया? विलय हो गया। उसके पश्चात भी सत मात्रता, चिद मात्रता और आनंद मात्रता जो अनुभव में आती है वही चेतन है। अनुभव में आता है ना, निराकार, निर्गुण, निर्विशेष, निरुपाधिक, अद्वितीय तत्व। जब आपका मन विलय हो जाए, सारे विचार खो जाए, जैसे सुसुप्ति में खो जाते हैं लेकिन वो अविद्या में खोते, सुसुप्ति में आपका मन क्या होता है? विलय हो जाता है ना, पर होता है अविद्या में। और समाधि में क्या होता है? ये बोध में विलय हो गया, विलय हो गया, विलय होने के पश्चात भी सदरूप, चिदरूप, आनंद रूप जो है वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वही अविनाशी है, और बाकी सब कुछ कल्पित और नाशवान है। देखो ना, अकल्पित क्या है? जैसे दीवार है और दीवार के ऊपर हिरण है, शेर है, सांप है, हाथी है, मोर है, सब किसके ऊपर है? दीवार के ऊपर है। और दीवार न हुए तो वो होंगे क्या? तो अधिष्ठान क्या है? दीवार है ना। तो वैसे ही समस्त कल्पनाओं का आधार क्या है? वो चेतन ही है ना। समस्त कल्पना अपने
जो चिदाकाश है उस चिदाकाश में चित्ताकाश कल्पित है, और चित्ताकाश के द्वारा ये सारा का सारा भूताकाश कल्पित है। योग वशिष्ठ में बारंबार ये बताते हैं ना, चिदाकाश माने जो चेतन है उसमें क्या है, चित्त कल्पित है मन, और सारा का सारा कुछ किससे जाना जा रहा है, मन से ही तो सब जाना भी जा रहा है और सब उत्पन्न भी मन से हुआ। जैसे स्वप्न किससे उत्पन्न होता है, मन से ही उत्पन्न होता है, वैसे ही ये सारा प्रपंच भी किससे उत्पन्न होता है, मन से ही उत्पन्न हुआ है। अभी आपकी समझ में नहीं आती तो इसलिए कहते हिरण्य गर्भ से उत्पन्न हुआ है। क्या कह देते हैं, जो ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर है, संकल्प कहते हैं ना, ब्रह्मा जी का संकल्प है ना, ईश्वर का संकल्प है ये, क्योंकि ईश्वर सत्य संकल्प है। तो सृष्टि क्या बोल देते हैं, ईश्वर का संकल्प, ब्रह्मा का संकल्प, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, तो ये सृष्टि दृष्टिवाद में, लेकिन दृष्टि सृष्टिवाद में तो क्या है कि ये किसका संकल्प है, अपना ही संकल्प है दृष्टि सृष्टि। और जब हमारा मन सुषुप्ति में लीन हो जाता है तब नहीं है, स्वप्न में चला जाता है तब नहीं है, समाधि में लीन होता है तब नहीं है, जब मन होता है तब ये होता है, जब नहीं होता है तब नहीं होता है। दर्द है शरीर में, यदि मन नहीं है तो दर्द का अनुभव होता है क्या, इतने वस्तुएं हैं, यदि मन को ज्ञान नहीं है तो होते हुए भी नहीं है ना, तो मन से ही तो हुआ। जब मन है तब इनकी सत्ता है, जब मन नहीं है तब इनकी सत्ता नहीं, होते हुए भी नहीं है, होते हुए भी इनकी सत्ता नहीं है। तो इनकी सत्ता किससे है, मन से, लेकिन जब मन भी नहीं है तब भी जो साक्षी है वो तो है ना, जागृत में भी, स्वप्न में भी, सुषुप्ति में भी, जहां पर आपका मन नहीं है सुषुप्ति में तब भी साक्षी है, और समाधि में भी क्या हो गया, ज्ञान में भी मन विलय हो गया लेकिन तब भी साक्षी है ना। तो जो साक्षी है चिन्मात्र वह अविनाशी हुआ, वही सत्य नित्य हुआ, वही अकल्पित हुआ, और बाकी सब का सब लोक परलोक जीव जगत सब का सब क्या है, कल्पित है, सब कल्पित है। दो ही विभाग है, कल्पित और अकल्पित, अविनाशी और नाशवान, आत्मा और अनात्मा, चेतन और जड़, दो ही विभाग है, दृश्य और दृष्टा, बस इतनी सी बात है, कोई चार पांच वस्तु नहीं है। अब हनुमान जी को लक्ष्मण मूर्छित पड़े, कहते हिमालय में क्या है, संजीवनी जड़ी लेकर के आनी है हिमालय से, लेकिन हिमालय में तो बहुत जड़िया थी, कितनी जड़िया थी, तो हनुमान जी को क्या लाना पड़ा, पूरा का पूरा पहाड़ी लेकर के चलो, पता नहीं कौन सी है वो संजीवनी बूटी, सब चमकती है, सारी चमकती है। हाँ, तो कितनी थी ना, तो उनमें ढूंढना उसको कठिन है, लेकिन यहां पर कितने है? दो, और बिल्कुल अलग अलग विपरीत, एक काला है एक धोला है, एक क्या है, एक काला है एक धोला है, बिल्कुल अलग दिखेगा ना, नहीं दिखेगा, कहने वो जो काला है वो क्या है, वो काला कलूटा, वो क्या है, वो एक वो है, और एक जो गोरा है उसको कहना गांव की भाषा में बोलते भूरा भक क्या बोलते भूरा भक ऐसा बोलते है ना, क्यों जी अभी जानते हो मतलब जो कर्पूर गोरम करुणावतार, एक तो ऐसा है, और श्री राम कैसे नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, श्री राम जो है सांवले है,
और श्री कृष्ण जो है कहते वो काले है, इसलिए कहते रहे काले कल्लू। क्या बोलते हैं? कल्लू बोलते हैं ना काले को। तो श्री कृष्ण जो है वो काले हो गए, श्री राम जो है वो सांवले हो गए मेघ के समान, और शंकर जी विचित्र काम है ना, जो रोज नहाते हैं वो क्या है, और जो कभी नहीं नहाते हैं वो गोरे हैं। वहां बैठे ना मैल नहीं चढ़ता है कैलाश पर, वहां क्या है प्रदूषण तो है नहीं दिल्ली वाला, तो इसीलिए वहां क्या है वो कर्पूर गोरम, कपूर के समान कपूर है होता है ना, कैसा होता है बिल्कुल, तो वैसे ही कपूर के समान जो गोर वर्ण है तो वो क्या है शंकर जी है। तो इस तरह अलग समझ पाना आसान है ना, काले को और गोरे को समझ पाना आसान है नहीं है। हाँ, तो वैसे ही एक आत्मा एक अनात्मा, एक जड़ एक चेतन, बिल्कुल अलग है, दो ही वस्तु है और उनको अलग अलग समझना है और बिल्कुल अलग है। कोई गुण धर्म मिलते हैं क्या? नहीं, थोड़ा बहुत मिले नहीं, है ना। जैसे श्री राम के सामने बड़ी समस्या आ गई, ना सुग्रीव और बाली दोनों भाई भाई है, और बाली सुग्रीव को श्री राम से मिल गए तो सुग्रीव को कहा श्री राम ने ललकारो बाली को है युद्ध के लिए। अभी सुग्रीव ने जाकर के पूरे जोश में आव देखा ना ताव, और जाकर के अरे बाली कहाँ छिपा है, बाहर निकल करके कायर है। अब बाली तो वीर था ही, तो बाली बाहर आया युद्ध के लिए ललकारा। बाली समझ तो गया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तैयारी करके आया, षड्यंत्र रच के आया, क्यों जो मेरे सामने कभी खड़ा नहीं हो सकता था आज चिल्ला रहा है कुछ ना कुछ। बाली इतना मूर्ख थोड़ा था, पर कोई ललकारे युद्ध के लिए तो कहते उसको मैं कैसे सहन करूं, तो युद्ध के लिए गए। लेकिन दोनों एक जैसे लगते हैं। अब श्री राम ने कहा था पीछे से क्या करूंगा मैं, सामने तो आ नहीं सकता, क्योंकि सामने आने से तो बलि को ये वरदान था ना बाली को कि जो भी सामने आएगा उसकी आधी शक्ति उसमें चली जाएगी। तो बाली के पास अपनी तो थी, आधी उसकी भी चली गई, तो बाली की हो गई क्या, डेढ़ गुणी हो गई ना, और वो रह गया सामने वाला आधा। तो श्री राम ने कहा मैं मार दूंगा उसको, बाण मारूंगा बहुत जोर से, लेकिन हम दोनों एक जैसे हैं, पर समझ जाना चाहिए था ना जो पीट रहा हो वही सुग्रीव होगा। समझना चाहिए था ना, मोटा मोटा हिसाब है कि जो पीट रहा है वो सुग्रीव है और जो पीट रहा है वो बाली है। पर भाई कभी गड़बड़ ना हो जाए, श्री राम ने क्या सोचा कभी मित्र ना मारा जाए भ्रम में, तो पिट करके आ गया वापस सुग्रीव। बड़ा दुखी है बेचारा, रो रहा है, सारा हाड़ तुड़वा दिए मेरे, इतना पिटवा दिया मेरे को। तो श्री राम ने कहा गलती हो गई, थोड़ी गड़बड़ हो गई, इस बार मैं ये माला देता हूँ, ये माला पहन करके जाना, अब की बार ललका। तो माला पहन करके गया और श्री राम वो पीट भी रहा था, बाली पीट रहा था ना सुग्रीव को, तो श्री राम समझ गए कि ये सुग्रीव है और ये बाली है, जोर के बाण मारा तो बाली क्या है, बाली को जा करके बाण। तो कहने का भाव है दोनों एक जैसे हो तो समस्या है ना, बाली और सुग्रीव दोनों भाई एक जैसे थे, अब उनमें विवेक करना विभाग करना अलग अलग उनको सही सही समझना कठिन काम था है ना। लेकिन जो ये जड़ चेतन है क्या है, बिल्कुल कोई भाई भाई नहीं है, बिल्कुल अलग है।
दृश्य कभी दृष्टा नहीं हो सकता, अनात्मा कभी आत्मा नहीं हो सकता, जड़ कभी चेतन नहीं हो सकता, अंधकार कभी प्रकाश नहीं हो सकता, नाशवान कभी अविनाशी नहीं हो सकता। बिल्कुल स्पष्ट है ना, किसके लिए? किसके लिए? जो चक्षु संपन्न है। जो क्या है? एक है गाय, एक है भैंस। एक गाय है और एक भैंस है, बिल्कुल अलग अलग है ना। भैंस क्या होती है? बिल्कुल काली है, और गाय कैसी है? देसी है, देसी हरियाणवी नस्ल या राठी नस्ल की गाय कैसी है? सफेद है ना। अब जिसके आंखें है उसको बिल्कुल अलग दिखती है, लेकिन कोई अंधा हो तो? गाय और उसके लिए तो भैंस दोनों क्या है? बराबर ही है। अंधा जो है वो भैंस को ही क्या समझ लेगा और गाय को क्या समझ लेगा? भैंस। तो वैसे ही वे सबके सब अंधे हैं जो जड़ को चेतन समझते हैं और चेतन को जड़ मानते हैं। वे सब अंधे जो दृश्य को ही दृष्टा मानते हैं वो सब अंधे हैं, जो अनात्मा को ही आत्मा मानते हैं वो सब अंधे हैं, जो नाशवान को ही अविनाशी मानते हैं वो सब अंधे हैं। तो अंधे हैं तो उन अंधों को बोल देना आरती में, हम अंधों को किया उजाला, भ्रम गड्ढे का तोड़ा ताला, माया मोह का जीता पाला, मेहरबान गुरु ऐसे दयाला, हरदम करे हमारी प्रतिपाला, तुम सम कोई नहीं दीन दयाला, घीसा संत साहेब गुरु मारे, और जीता दास को लिए उबारे। तो शिष्य जो है वो क्या कहता है कि गुरु कि आपने क्या किया, हम अंधे थे हमको उजाला किया। क्या किया है? ज्ञान दे करके, विवेक दे करके, हम बिल्कुल अंधे थे, सब कुछ अंधकार ही अंधकार, हमें अंधकार ही अंधकार था सब। लेकिन क्या किया है? चक्षु उन्मीलितम येना तस्मै श्री गुरुवे नमः, जिन्होंने हमारी आंखें खोल दिए, जो कि क्या हो गई थी, मोतिया बिंद आदि आने से आंखें क्या हो गई थी? अंधी हो गई थी ना। वैसे ही बुद्धि रूपी जो चक्षु है उसके ऊपर मैल चढ़ गया था, मोह का स्वार्थ आसक्ति का क्या चल गई थी, चढ़ गया था, रोग आ गया था। लेकिन जिन्होंने हमारे विवेक चक्षु खोल दिए हैं ऐसे गुरुदेव को नमस्कार। तो वैसे ही यहाँ पर कहते हैं कि जैसे अंधा व्यक्ति है तो उसके लिए तो दोनों एक ही हुए ना, गाय भैंस। लेकिन जो चक्षु संपन्न है उसको बिल्कुल अलग दिखता है, हाँ? काला और सफेद बिल्कुल अलग, कुछ बुद्धि लगानी पड़ेगी। तो वैसे जड़ चेतन बिल्कुल अलग है, जड़ जड़ है, चेतन चेतन है, दृश्य दृष्टा दृश्य है, दृष्टा इससे अलग है, अनात्मा अनात्मा है, आत्मा इससे अलग है, अलग है ना। ये जो नाशवान है, स्वरूप है, ये अलग है, और जो अविनाशी शिव रूप है वो अलग। इस प्रकार से कितने वस्तुएं हैं? दो। दो कितनी वस्तुएं?
दो, उनको अलग अलग करना कठिन काम नहीं है, सरल काम है। किसके लिए? चक्षु संपन्न है, ज्ञान चक्षु संपन्न, विवेक चक्षु संपन्न। और ये ज्ञान चक्षु किसके पास होते हैं? जो पहले वैराग्य संपन्न हो, है? जो पहले वैराग्य संपन्न हो, फिर भक्ति संपन्न हो, तब वही क्या होता है? ज्ञान संपन्न होता है। पहले क्या हो? वैराग्य हो। वैराग्य मतलब संसार में सर्वत्र जिसने देख लिया क्या? दुख ही दुख। क्या देख लिया? और इस दुख से मुक्त होने का कोई भी साधन उपाय है नहीं, तो पहले वैराग्य होता है। वैराग्य होता है, फिर भक्ति होती है, फिर क्या होती है? गुरु की भक्ति होती है। किसकी भक्ति? श्रद्धा हो तो किसकी? गुरु की भक्ति होती है। तो उससे क्या हो जाते हैं? वैराग्य और भक्ति होने से राग और विक्षेप दूर हो जाते हैं। उसके पश्चात जब भक्ति है गुरु की, तो गुरु क्या देते हैं? ज्ञान। तो ज्ञान संपन्न हो जाता है। उस ज्ञान को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करके, मनन करके, निधिध्यासन करके क्या हो गया? ज्ञान संपन्न हो गया है। तो ज्ञान संपन्न होने से सब स्पष्ट दिख जाता है, जड़ चेतन सब स्पष्ट दिख जाता है कि मैं ये दृश्य जो शरीर इंद्रिया प्राण अंतःकरण है ये नहीं हूं, मैं अविनाशी चेतन हूं। ये दिख जाता है स्पष्ट ज्ञान में, ज्ञान चक्षु। तुक ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो सही, जिसको तू ढूंढता है वो तेरे पास है। आनंद स्रोत्र बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के मछली को प्यास। आनंद स्रोत्र बह रहा पर तू उदास है। उदासी का कारण क्या है? अविवेक। उदासी का कारण क्या है? अविवेक। विवेक नहीं है। विवेक होवे तो मनुष्य शरीर मुझे प्राप्त है, मैं क्यों उदास हूं? उदास तो वो बंदर होवे, उदास तो वो और जीव जंतु होवे, कुत्ते बिल्ली होवे, मैं उदास क्यों हूं? मनुष्य हूं ना, हाथ चलते हैं मेरे, कुछ भी कर सकता हूं मैं उदास क्यों हूं? नहीं, मेरे पास कुछ है, मुझे जरूरत भी नहीं है, काम चलाऊं वो मैं सहजता से जुटा सकता हूं। और तृष्णा की, इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है, और जितना मेरे पास है उतना भी बंदर के हाथ में कुल्हाड़ी दे दी है, तो वैसे बूढ़ों के हाथ में फोन देना है। बूढ़ों के हाथ में फोन आ गया बस, फिर तो है ना, कि और तो कुछ काम है नहीं, तो फिर क्या है? फिर फोन ही फोन है। फिर क्या है? फिर फोन ही फोन चलता है। बूढ़े बूढ़े जो फोन कर रहे हैं लगातार। हाँ जी, तो समझ के देखो, अब आगे वाला श्लोक भी देख लो, 508वां श्लोक हुआ। अब आधा घंटा तो उसी में चला गया, चलो 509वां श्लोक देखो। चलत्योपादौ प्रतिबिम्बलोल्या मोपादिकं मूढधियो नयन्ति स्वबिम्बभूतं रविवद्विनिष्क्रियम् कर्तास्मि भोक्तास्मि हतोस्मि हेति।
चलती उपाधौ प्रतिबिंबलोल्यम औपाधिकम मूढधियः नयन्ति स्वबिंबभूतम् रविवद् विनिष्क्रियम् कर्ता अस्मि भोक्ता अस्मि हतः अस्मि हेति। देखो जी क्या कहते, मूढधियः, मूढ़ बुद्धि, क्या मूढ़ बुद्धि, सब कुछ किसका है, बुद्धि का ही तो है। कहते हैं ना, बुद्धिर यस्य बलम तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम। बुद्धि जिसके पास है बल, उसके पास ही बल है। एक तरफ है 100,000 सैनिक, एक तरफ है और सब शस्त्र अस्त्र सुसज्जित, और एक तरफ है श्री कृष्ण निहत्ता। एक तरफ क्या है, श्री कृष्ण है, प्रतिज्ञा किया है कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक तरफ तो मैं हूं और एक तरफ मेरी सेना है। क्या कहा श्री कृष्ण ने, एक तरफ तो मैं हूं और एक तरफ मेरी सेना। क्या चाहिए तो अर्जुन ने क्या कहा कि मुझे बुद्धि चाहिए। दूसरे ने क्या मांगा कि मुझे हथियार चाहिए, हैं, सैनिक चाहिए। तो श्री कृष्ण तो क्या है, खालिश बुद्धि है। श्री कृष्ण क्या है, खालिश ज्ञान है ना, ज्ञान ही ज्ञान है। श्री कृष्ण क्या है, खाली ज्ञान रूप है ना, ज्ञान वाले चेतन है, हैं, बुद्धि ही बुद्धि, विवेक ही विवेक है। क्यों, कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई आसक्ति नहीं। तो इसलिए बुद्धि क्या, उसकी बुद्धि लोभ मोह स्वार्थ में बुद्धि काम करती है क्या? जब कुछ भी ना होवे तब बुद्धि क्या होती है, बिल्कुल सटीक काम करती है ना। तो श्री कृष्ण तो महान बुद्धिमान है, इसलिए अर्जुन ने कहा मुझे बुद्धि चाहिए, बुद्धि मांगी है ना। और बाकी उसने दुर्योधन ने क्या मांगा, हथियार मांग लिए, सैनिक मांग लिए, और मतलब और बहुत चीजें मांग ली, सोना चांदी मांग लो बुद्धि ना हो तो, हाँ जी बुद्धि ना हो तो, और बुद्धि है तो सब कुछ। बुद्धि इसलिए चाहिए क्या, बुद्धि, बुद्धि है तो और भी प्राप्त कर सकते हैं, जो प्राप्त है उसका रक्षण भी कर सकते हैं, जो प्राप्त है उसका सही से उपयोग भी कर सकते हैं। यदि बुद्धि है तो, और बुद्धि नहीं है तो जो प्राप्त है उसको भी संभाल, जो प्राप्त नहीं है उसको पाने की बात तो दूर, जो प्राप्त है उसको भी संभाल नहीं पाएंगे, उसको भी और ना उसका उपयोग कर पाएंगे, है ना। तो सब किससे संभव है, सब बुद्धि से ही तो है। तो आपके पास बुद्धि है तो बड़ी चीज है। तो जो बुद्धि है ना उसी के पास बल है, उसी के पास बल है। एक तरफ 5 है, एक तरफ 100 है, एक तरफ 5 पांडव, दूसरी तरफ 100 कौरव, विजय कौन हुआ, बुद्धि जिसके पास है, विवेक जिसके पास है, सद्गुण जिसके पास है, है ना। तो बुद्धिमान, इसलिए बुद्धि का ही संग्रह करो। कहाँ मिलती है जी, बुद्धि मिलती है वृद्ध पुरुषों के, सज्जनों के, विद्वानों के सानिध्य, उनका संग करने से।
क्या मिलती है? बुद्धि मिलती है सदग्रंथ के अध्ययन करने से। क्या मिलती है? बुद्धि मिलती है, ज्ञान मिलता है। तो सारी महिमा किसकी है संसार में? ज्ञान की तो है, महिमा किसकी है? सब ज्ञान की महिमा है ना। तो इसलिए क्या कहते, देखो यहाँ पर मूढ़ धिया, क्या है? जो मूढ़ बुद्धि है ना, तो मूढ़ बुद्धि पुरुष क्या करता है? प्रतिबिंब लोल्यम उपाधौ चलती औपाधिकम नयती नयंती। जैसे सरोवर भरा हुआ है जल का और उसमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है, क्या पड़ता है? प्रतिबिंब पड़ता है। तो वो जो प्रतिबिंब है जल के चंचल होने से, हिलने से क्या होता है? हिलता है। तो बालक क्या कहते हैं? देखो सूर्य हिल रहा है, बालक क्या कहते हैं? सूर्य। उस सरोवर में जो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है जल के हिलने से, वो प्रतिबिंब भी क्या होता है? हिलता है ना। तो बालक लोग, मूढ़ लोग क्या कहते हैं कि सूर्य हिल रहा है, हिल रहा है क्या? उपाधौ चलती प्रतिबिंब लोल्यम, जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की चंचलता, प्रतिबिंब की चंचलता, और वो भी उपाधि उपाधौ चलती, हिला क्या है जल, जल के हिलने से क्या हिल रहा है? प्रतिबिंब। लेकिन जल के हिलने पर, प्रतिबिंब के हिलने पर भी सूर्य हिल रहा है क्या? उपाधौ चलती प्रतिबिंब लोल्यम औपाधिकम मूढ़ धिया नयन्ति। लेकिन जो मूढ़ बुद्धि लोग है वो क्या करते हैं? उपाधि के चंचल होने से जो प्रतिबिंब है वो भी चंचल होता है। और मूढ़ बुद्धि कहते हैं कि जो सूर्य है ना बिंब रूप, वो क्या है? वो हिल रहा है। ऐसा कौन? मूढ़ धियः नयन्ति, मूढ़ बुद्धि लोग ऐसा आरोप करते, ऐसा समझते हैं। उपाधि के चंचल होने से जो उपाधिक जो प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब चंचल होता है। वो क्या होता है? वो चंचल होता है। तो मूढ़ धिया रविवद विनिष्क्रियम, सूर्य क्या है? सूर्य तो सब यही मानते हैं ना कि सूर्य तो एक जगह है, विद्यमान है, विराजमान है, क्रिया रहित है। बाकी सब में क्या हो रही है? क्रिया हो रही है। इस दृष्टि से, चलन रूप क्रिया की दृष्टि से क्रिया रहित कह रहे हैं उसको, है ना। तो जो अचल सूर्य है, जो चल नहीं रहा है, लेकिन उसको मूढ़ बुद्धि लोग उपाधि के चंचल होने से, चलने से जो उपाधिक जो प्रतिबिंब है वो भी चंचल होता है। तो मूढ़ बुद्धि क्या कहते हैं कि सूर्य हिल रहा है, जबकि सूर्य क्या है? बिल्कुल ठहरा हुआ है, उसमें कोई क्रिया नहीं, चलन रूप क्रिया उसमें नहीं हो रही है। इसी प्रकार से मूढ़ बुद्धि कर्तास्मि भोक्तास्मि हतोस्मि हेति है। इसी प्रकार सूर्य के समान जो क्या है? अक्रिय। तो हमारा तो पूरा वर्ष शुभ है?
शरीर में पड़े हुए तो ये भी तो सब है ना, नाचनों को सब चाड़े ये तो है। जबकि रोज नव वर्ष है, रोज है ना नया दिन, और नया दिन क्या मैंने कल बताया था ना, हर क्षण नया है, हर क्षण नया, नई ऊर्जा, नया उत्साह, नए विचार, और जो अपनी गलती है, बुराई है, उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़े, हर क्षण, हर क्षण तो सुंदर है। हर श्वास अमृत है, मनुष्य शरीर प्राप्त है, कितना सुंदर से सुंदर अपने मन को बनाकर, अपनी बुद्धि को बनाकर सदा प्रसन्न रहे। तो हर क्षण नव वर्ष है, नव है, नया है, नया है? जैसे नए कपड़े पहनते हैं ना, अच्छा लगता है ना नए कपड़े पहने, तो वैसे ही जो भी समय हमारे सामने आ रहा है वो पुराना है नया है, नया है ना, तो हर क्षण नया है। और जो वर्तमान है वो भी सुंदर है, और जो आ रहा है वो भी सुंदर है, और जो भूत है वो बीत गया, उसकी क्या चिंता, भूत तो बीत ही गया है, और वर्तमान अभी क्षण भर ही वर्तमान है। वर्तमान कितनी देर होता है, क्षण भर, जो हमारे सामने आता है वो वर्तमान है, और जो हमारे सामने आके चला जाता है वो भूत है, और जो हमारे सामने अभी आया नहीं है वो भविष्य है। तो वर्तमान तो हम है ना, ये वर्तमान है, ये भूत है, ये भविष्य है, किससे, हमारे से ही तो है ना, है ना, हमारे पास आकर के जो परेड होती है ना, राष्ट्रपति को क्या करते हैं, सब सलामी देते हैं, तो जो आकर के गुजर गया है? राष्ट्रपति जो खड़ा है मंच पर वो वर्तमान है, जो आकर के गुजर गया वो भूत, जो भी सामने से गुजर रहा है वो वर्तमान, और जो अभी आएगा वो भविष्य। तो वैसे जो चेतन है ना, चेतन ही वर्तमान है, मैं वर्तमान हूं, बाकी सब क्या है, आने वाले, चले जाने वाले। तो जो मेरे सामने आके चला गया क्या हो गया, वो भूत, जो मेरे सामने अभी है वो क्या है, वर्तमान, और जो मेरे सामने आने की लिए लाइन में खड़ा हुआ है वो क्या है, भविष्य। तो सब किससे हुआ, सबको मोहर किसने लगाई, ये भूत है, ये मोहर किसने लगाई, आपने लगाई ना, ये भविष्य है, ये वर्तमान है, मोहर किसने लगाई, आप ही तो लगा रहे हो ना सबको मोहर, मोहर कौन लगाएगा है? जो कुछ मूल महत्वपूर्ण होगा, जो अफसर है ना, मोहर तो वही लगाएगा, तो जो महत्वपूर्ण है सबसे वो मोहर लगाता है, तो सबसे महत्वपूर्ण कौन हुआ, ये भगवान है, भगवान नहीं है, ये मोहर किसने लगाई, हनुमान जी भगवान है, हैं, और ये भगवान नहीं है, शनि भगवान नहीं है, हैं, शनि से ज्यादा डरते हैं लोग, ये तो गड़बड़ हो गया कि महाराज हनुमान तो चलेगा, हो ना हो, पर शनि ना हो, ये तो गड़बड़ काम है, हैं, तो हनुमान भगवान है और शनि भगवान नहीं है, ये मोहर किसने लगाई, हनुमान जी ने खुद लगाई थी उठा करके, आपने लगाई मोहर, तो आप लगाते हो ना सबको, नहीं, मोहर आप लगाते हैं कि हनुमान जी भगवान है और शनि भगवान नहीं है, या और कोई भी, चलो जो भी आप जानो क्या है, सभी भगवान है हमारे लिए, तो क्या है, सबके अंदर भगवान ही है, सब कुछ भगवान है, भगवान ही भगवान है, भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, सब कुछ क्या है, सर्वम खलु इदम ब्रह्मा वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः, सर्वम इति वासुदेवः, सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसी जिसकी दृष्टि है समात्मा सुदुर्लभः, ऐसा महात्मा तो क्या है, दुर्लभ है,
तो सब कुछ परमात्मा ही। अभी दो शुरू में ही तो है ना, शुरू में तो तीन बता दिए। शुरू में क्या बता देते हैं? जीव जगत परमात्मा, कितने हो गए? तीन। फिर बाद में थोड़ा सत्संग सुना तो पता लगा तीन नहीं है, कितने है? दो है, एक जड़ और एक चेतन, दो ही है, हैं? फिर और सत्संग सुना तो पता लगा दो नहीं है, क्या है? एक ही है, बस चेतन ही है। जड़ तो अध्यस्त है, कल्पित है, आभास रूप है, मिथ्या प्रतीति मात्र है, क्या रह गया? चेतन। तो चेतन जो ब्रह्म है वही तो है। जैसे एक सोना है और उससे बने हुए सारे आभूषण सुनार की कल्पना है, सोना एक है, वास्तविक क्या है? सोना। आभूषण सब कल्पना है, वास्तविक है मिट्टी, बर्तन सब कुम्हार की कल्पना है। तो वैसे ही सत्य है एक चेतन, और बाकी ये सारा का सारा जो भी जड़ है वो सब कल्पना है, मिथ्या प्रतीति मात्र है। तो एक है, तो ऐसा जो देखता है सब कुछ परमात्मा ही, सब कुछ तो मोहर परमात्मा ही तो लगाता है। मोहर कौन लगा रहा है? परमात्मा। ये वर्तमान, ये भूत, ये भविष्य, ये मोहर लगाने वाला मैं चेतन हूं, क्योंकि मैं ही वर्तमान हूं, केवल मैं वर्तमान हूं, बाकी सब भूत भविष्य, आने जाने वाले नश्वर है। केवल मैं वर्तमान, अरे मैं तब भी था, जब इसके दादा थे तब भी मैं था, जब इसके पिता थे तब भी मैं था, अब ये है तब भी मैं हूं। तो वर्तमान कौन हुआ? वो मैं हुआ। और बाकी दादा के था और पिता तो कहते था, और क्या ये के है, और क्या ये भी कुछ दिनों में क्या हो जाएगा के था, लेकिन मैं क्या हूं? मैं वर्तमान है। तो देखो क्या कहते हैं, कर्तास्मि भोक्तास्मि हतोस्मि हेति, मैं रविवद विनिष्क्रियम स्वबिंबभूतम्, सूर्य के समान क्या हूं? अचल हूं, क्रिया रहित हूं, बिंब रूप हूं, क्या हूं? बिंब रूप, और प्रतिबिंब है, बाकी क्या है? उपाधि में प्रतिबिंब है। लेकिन मूढ़ता के कारण से क्या कहता है? कर्तास्मि, मैं करता हूं, क्या कहता है? भोक्तास्मि, मैं भोक्ता हूं, हतोस्मि, मैं मारा गया, हेति और हेति, हाय हा इति, हा इति, मैं क्या हो गया? हाय मैं मारा गया। जबकि है क्या? सूर्य के समान अचल एक रस स्वयं ज्योति सच्चिदानंद नित्य मुक्त है, लेकिन मूढ़ता के कारण से जैसे सूर्य अचल होते हुए भी सरोवरस्थ जो जल है उसके चंचल होने से, सूर्य प्रतिबिंब की चंचल हो जाने से मूढ़ बुद्धि सूर्य को में चंचलता का आरोप करते हैं, सूर्य हिल रहा है, इसीलिए क्या हिल रहा है? प्रतिबिंब मिल रहा है। वैसे ही मैं आत्मा अचल और नित्य मुक्त हूं, अकर्ता हूं, लेकिन मूढ़ बुद्धि क्या है? शरीर के द्वारा कर्म होने पर
इंद्रिया या प्राण या अंतःकरण के द्वारा कर्म होने पर क्या कहता है, कर्तास्मि, मैं करता हूं। इनके द्वारा कुछ भोग होने पर, कुछ भोजन होने पर, इंद्रियों के द्वारा, प्राण मन बुद्धि के द्वारा कुछ क्या भोज होने पर क्या कहता है, मैं भोगता हूं सुख दुख आदि का भोग। तो क्या बोलता है, मैं भोगता हूं। और शरीर के या धन आदि के नष्ट होने पर क्या कहता है, हाय मैं मारा गया। क्या कहता है, हाय मैं मारा गया। जबकि आत्मा अकर्ता है, आत्मा क्या है, अभोक्ता है और अमरण धर्म है, कभी मरता नहीं, अमरण धर्म है, मरता नहीं। दो शब्दों, दो लाइनों में ज्ञान दे दिया अर्जुन को, देख भाई ये शरीर जो है ये तो मरेंगे ही मरेंगे, रही बात जो आत्मा है वो मरता नहीं है, ये जो भीष्म द्रोण आदि के शरीर है ये तो मरेंगे ही मरेंगे, कुछ आज मर जाएंगे, कुछ कल मर जाएंगे, कुछ परसों मर जाएंगे, मरेंगे जरूर, क्योंकि ये पांच भूतों का जो बना हुआ अस्थि पिंजरा है ये क्या है, इसकी तो सीमा है ना, काल है ना, ये तो मरना ही मरना है, आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों, है ना, ये तो मरना ही है। हड़ मांस का पुतला जीर्ण हो जाता है शरीर, तो मरना है। और जो इसमें रहने वाला जो चेतन है अविनाशी, वो मरता है नहीं, फिर होता किस लिए, जो मरना है वो मरेगा, जाता शहीद वो मृत्यु हो, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो मरेगा ही, ये तो शरीर ही नहीं रहेगा। और जो जिसका जन्म नहीं हुआ उसकी मृत्यु भी नहीं होती, अपनी आत्मा, अपनी आत्मा का जन्म नहीं हुआ तो उसकी मृत्यु भी नहीं, ये दो ही बात है, इतनी सी बात समझ ले और फिर क्या है, निर्भय हो करके संसार में रहे, सबसे प्रेम, सबकी सेवा, सबका सहयोग, और बहुत सहजता और सरलता को जीवन में अपनाए और सुखी रहे। जो हवाई जहाज में ही रहते, कभी धरती पर कदम भी नहीं रखते हैं, इतने क्या है संपन्न कहते हैं आपकी भाषा में, लेकिन बड़े दुखी उदास रहते हैं बेचारे। और बहुत से लोग पैरों में जूते भी नहीं है, पैरों में जूते भी नहीं है, लेकिन संतोष का आश्रय लिया हुआ है, तृष्णा के जंजाल में नहीं फंसे हुए हैं, और सदमति है जिनको, बुद्धि क्या है, हैं, सदबुद्धि है ना जिनकी, ऐसे लोग आनंद प्रसन्न में रहते, आनंद में रहते, चप्पल भी नहीं, जूते भी नहीं है, फिर भी आनंद में रहते। तो ये बात है जी, तो समझ आ गया, ये वाला समझ आ गया, आगे वाला भी बता दे क्या, हाँ चलो आगे वाला भी देख लीजिए। जले वापि स्थले वापि लुठत्येष जडात्मकः नाहं विलिप्य तद्धर्मै घट धर। साधु कितने कितने काम कर लेते हैं, हैं? जो वीर होता है ना वो कई काम कर लेता है एक साथ, नहीं कर लेता है,
गदा भी चला लें, बाण भी छोड़ दे, भाला भी फेंक दे और ढाल भी, जैसे वीर था ना अभिमन्यु, अभिमन्यु क्या था, वीर था। अब वीर था तो देखो सबको, अकेले नहीं, कितना था अकेला, और सामने कितने थे, सात महारथी, बाकी वो जो सेना वेना थे वो तो अलग, लेकिन बा क्या थे, सात महारथी खड़े हुए, कर्ण, द्रोण, हैं, कृपाचार्य, दुर्योधन, शकुनी, जयद्रथ आदि, सामने कितने खड़े हैं, सात महारथी है, और अभिमन्यु अकेला है, हैं, और फिर भी उनका सामना कर रहा है ना, कहीं कहीं तलवार से, कहीं भाले से, कहीं गदा से, कहीं धनुष बाण से, कहीं ढाल से, और भी कुछ नहीं मिला लास्ट में तो रथ के पहिए से। तो वैसे ही हमारा चल रहा है, है? ये है ना, कहीं कहीं काम हो गए ना, तो देखो क्या कहते हैं, जले वा अपि स्थले वा अपि, बोलो, स्थले वा अपि लुठति एष जडात्मक न अहम विलिप्य तद्धर्मैः घटधर्मैः नभा यथा। देखो जी क्या कहते हैं, जैसे घट धर्म विलपति विलिप्यति, तो क्या कहते हैं, जैसे घट के जो धर्म हैं उनसे आकाश लिप्त नहीं होता, घट के धर्म जो है उनसे आकाश, यदि घड़ा काला है अंदर से या सफेद है तो उनसे क्या है, आकाश काला है सफेद हो जाता है क्या, या घड़े के छोटे बड़े आकार से आकाश छोटा बड़ा हो जाता है क्या, है नहीं होता है ना, या घड़े के फूटने से क्या आकाश नष्ट हो जाता है क्या, घट धर्मै नभः, जिस प्रकार से घड़े के धर्मों से आकाश लिप्त नहीं होता है, इसी प्रकार से ये जो स्थूल शरीर आदि है, जले वापि स्थले वापि जड़ात्मकः एषा लुठति, ये शरीर चाहे जल में पड़ा रहे चाहे थल में पड़ा रहे, ये जो जड़ात्मक शरीर है मैं इसके अहम तद्धर्मै न विलिप्य, मैं इसके धर्मों से लिप्त नहीं हूं। शरीर के धर्मों से लिप्त कौन कह रहा है, जो ब्रह्मवेत्ता, अज्ञानी नहीं, अज्ञानी तो क्या अनुभव करते हैं, अज्ञान तो यही अनुभव करते हैं, मोटा पतला हूँ, बूढ़ा जवान हूँ, पुरुष स्त्री हूँ, काला गोरा हूँ, अज्ञानी तो यही अनुभव करते हैं ना, लेकिन जो ब्रह्मवेत्ता है, तत्ववेत्ता है, वो क्या अनुभव कर रहा है कि ये तो मैं हूँ नहीं, ये जो कार्य करण संघात रूप शरीर है ये मैं नहीं हूं, तो इसके जले वापि स्थले वापि लुठति, जल में पड़ा है थल में पड़ा है, ऐसा जड़ात्मक देह, ये जो जड़ात्मक शरीर, सबके सब जड़ी है, स्थूल शरीर भी क्या है, सूक्ष्म शरीर भी क्या है, कारण शरीर भी क्या है, चेतन कौन है,
कोई 10-20-50 तो है नहीं। चेतन तत्व तो क्या है, एक अद्वितीय है, है ना। तो ये जो शरीर है जल थल में, इसके पड़े होने पर भी अहम द्वारा लिप्त नहीं होता। शरीर के जो धर्म है उनके द्वारा लिप्त नहीं होता हूं, तो इससे सर्वथा रहित और सर्वथा मुक्त। सर्वथा रहित हूं और सर्वथा मुक्त। तो इस प्रकार से ये अनुभव कर रहा है, इस प्रकार से आनंद में विराजमान है, इस प्रकार से अपने में निर्बंधता निर्भारता का अनुभव कर रहा है। अज्ञानी हर समय बोझे में दबा रहता है और बंधन में जकड़ा रहता है। अज्ञानी बोझे में दबा है, बंधन में जकड़ा है अज्ञानी, और ज्ञानी के ऊपर न कोई भार है और न कोई बंधन। लाधा बहुत दिन बोझ, अब बोझा पटकना चाहिए। बोलते होंगे बोझ ढोते ढोते, अब बोझा क्या किया, बोझा ढोना किसका काम है, संसारियों का। संसार वाही बैल सम दिन रात बोझा ढोए है, त्यागी तमाशा देखता सुख से जगे है सोए है, है? संसार वाही बैल सम दिन रात बोझा ढोए। संसारी लोग क्या करते हैं, दिन रात बोझा ढोते, सुबह उठते ही बोझा, सुबह उठते ही बहुत बोझा है, बोझा ही बोझा है ना। फिर कई भगवानों के भी बोझे हैं, उसको अलग मनाओ, उसको अलग मनाओ, उसको लाल टीका लगाना, उसको चंदन का लगाना, उसको कुमकुम का लगाना, उसको कुछ और लगाना है, उसके आगे वो घी का दिया जलना चाहिए, उसके आगे तेल का जलना चाहिए, उसके आगे तिल का ही तेल जले नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, उसके आगे ये वाला फूल रखा जाए तो गड़बड़ हो, ये भी एक विज्ञान है। फूल भी आने चाहिए, फूल का भी ज्ञान होना जरूरी है, है? कौन सी नस्ल का है, गड़बड़ हो जाए नहीं तो है? किसके आगे फूल रखना, किसके आगे पत्ता रखना, किसके आगे फल रखना, ये भी गड़बड़ हो जाएगा। और किसको कौन सा प्रिय है, कपित्त जम्बू फल चारु भक्षणम, एक को कहते भाई वो तो जो है कैथ का फल प्रिय है, हैं अब उस एक कोई कहते बेर, किसी को क्या पसंद है, बेर बेर पसंद है, किसी को बेल पसंद है, ये बड़े गड़बड़ काम है, कहाँ से बंदोबस्त करें ये सब चीजें हैं। तो संसारी, संसारी जो कामना युक्त है उसको अपनी कामनाओं के कारण से ये सब अपने सर पर धरने पड़ते हैं ना, कि वो रुष्ट ना हो जाए, वो रुष्ट ना हो जाए कामना के कारण ना, धरने पड़ते हैं। अलग अलग है, तिलक भी अलग तरह का लगाएंगे, बीच में लाल जरूर लगाएंगे, कह भाई ये उसका है, देवी का है, हमें तो बहुत बात पता, हमने अब हमें पता ही नहीं सब चीजों का विज्ञान, ये भी एक विज्ञान है, विज्ञान हमें पता नहीं लेकिन कभी कभी पता लग जाता है, किसी के मुंह से सुन लेते हैं, बड़ा बड़ा त्रिपुंड लगाएंगे या कुछ और लगाएंगे और बीच में लाल, हमने कहा लाल क्या है, बिंदी मोटी सी, तो कहते हैं लाल जो है सिंदूर होता है, क्या होता है वो है, तो कहते वो देवी का है, देवी का भी है, कोई कहते त्रिपुर सुंदरी है,
त्रिपुर सुंदरी, कहीं कहीं देवी है, महिषासुर मर्दनी है, और क्या है, कर्ण घंटा नाम क्या नाम है, बड़े बड़े विचित्र काम है ये भी, बड़ा बड़ा तो संसारियों के ऊपर तो बोझ ही रखा हुआ है ना, बोझ ही रखा हुआ है। गए थे पंडित जी के पास कि महाराज कुछ ग्रह चढ़ी हुई है उतार दो, दो चार और रख दिए गए थे डॉक्टर के पास कुछ इलाज करा के आएंगे कि क्या होगा जी, कहें दांत में दर्द हो रहा है। अब वो तो साथ साथ और भी दर्द देगा ना साथ में, कि दांत के साथ साथ आँख में भी गड़बड़ी है और इसके साथ साथ आँख में भी गड़बड़ी है, नहीं ऐसी जगह जाइए ना जहाँ क्या है, एक के साथ दूसरी बीमारी, तीसरी बीमारी, चौथी बीमारी फ्री में मिलती हो, ऐसी जगह नहीं मिलेगी। डॉक्टर के पास जाओ तो बीमार कर देगा वो तो, स्वस्थ को भी कुछ पता नहीं उनका कोई भरोसा, और बीमार को क्या, आप तो ठीक हो, कोई कुछ नहीं खा रहा, बीमार को ठीक बता दे उनका कोई भरोसा है, और ठीक को हाँ, इसलिए उनके पास नहीं जाना। ऐसे ही ग्रह चढ़ी हुई है, कितनी ग्रह चढ़ रही थी पता नहीं, थी भी नहीं थी, किसी ने ऐसी भ्रम में डाल दिया, अब पहुंच गया, अब खोला पंडित ने क्या खोला अपना पत्रा पोथा खोला तो क्या हुआ, शनि भी चढ़ा है, शनि की ढैया है, हाँ बड़ा वो होता है। अब हम तो इन चीजों को जानते भी नहीं थे, लेकिन हमें किसी ने बताया कि जी आपकी शनि की 7:30 ही चले, जब हम छोटे थे एक बार तब सुना हमने, जबकि हमारा डर का इन चीजों का कोई संबंध नहीं रहा, लेकिन जब सुना कि भाई अभी तो शनि की क्या है 7:30 ही है, तो थोड़ा सा मन में क्या हुआ कि पता नहीं शनि भाई क्या करता होगा, शनि की 7:30 ही है तो डर गए ना, हाँ तो डर हो जाता है, तो कुछ कुछ चढ़ गया ना ऊपर, तो संसारियों के माथे पर तो चढ़ाई रहता है। संसारी तो क्या है, बैल के समान दिन रात बोझा ढोते हैं, और ज्ञानी जो है वो तमाशा देखता है, सुख से जगे हैं, आराम से उठता है और आराम से क्या है सोता है, और अपनी बुद्धि को विमल रखता है, क्या रखता है विमल रखता है। शरीर भले ही मैला रहे लेकिन जिसकी बुद्धि क्या रहती है निर्मल है, जो सदा क्या है प्रसन्न है, प्रसाद युक्त है, प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, क्या बोला है, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, जिसका चित्त प्रसन्न होता है उसके समस्त दुखों की हानि हो जाती। गीता जी में बताया है ज्ञानी के लक्षण, प्रसन्न चेतसो यासु, जिसका चित्त प्रसन्न है, आसु माने शीघ्र ही बुद्धि पर्यवतिष्ठते, उसकी बुद्धि ठहर जाती, वही स्थित प्रज्ञ है। तो समय